इंटरव्यू अंदर करेंगे, इंटरव्यू अंदर अंदर ही करेंगे। मुझे बोला है आपको सॉन्ग बंद करने के लिए बोल दो, वो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट में हम लोग को एनओसी दिलाती हूँ ना। चलो कहाँ देना फोटोज अरे कॉपीराइट आ जाएगा क्या? हाँ 100% कुछ रिमोट भी चाहिए। बंद बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, थोड़ा इधर रुके 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 हम सब बंद कर दो। आप गुस्से में देखते हो ना, सही में भूलने की ये वाली लाइन अच्छी है। देखो गया अभी गया, देखो हाथ छोड़ दो, मुझे मशहूर कर दिया जमाने, हाँ जमाने मशहूर कर दिया। चलो अभी कर दो, डायलॉग बोल दो, एक बार डायलॉग बोल दो, बोल दो सही दिल दुखाया था अनजाने में, मुझे मशहूर कर दिया जमाने। वाह 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 वाह, बड़ा स्पेशल थैंक्स टू कुणाल वर्मा फॉर दिस। ये बहुत ही अमेजिंग लिखा है कुणाल साहब ने लिखा है। दिस इज आई थिंक माय थर्ड और फोर्थ सॉन्ग ऑफ कुणाल वर्मा, ही हैज रिटन दिस सॉन्ग, बहुत प्यारा लिखा है। यही लाइन मैंने अभी बोला, ये बोला आपने, नहीं बोला सर आपने, साथ में बोल दो। हां ये लाइन, हां यहां पर देख के, यहां पर देख, यहां पे देख, क्या अजीब। हां सही दिल, सही दिल, ओके 1 2 3 सही दिल दिखाया था अनजाने में, अनजाने में मुझे मशहूर कर दिया जमाने में, क्या बात है। बहुत अच्छी प्लीज, सॉन्ग पर भी आप थोड़ा सा विजुअल्स क्या अनजाने में, सही दिल ये तो टाइम है, शादी से आया हूँ।
चलिए थैंक यू गाइस। Okay, so firstly, congratulations, the song is looking really good. Thank you. What do you want to say about the song? It's a beautiful song by Saregama and it's sung by Yasir Desai, जो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर्स में से है, बहुत प्यारा गाया है, कुणाल वर्मा साहब ने लिखा है। एंड आई थिंक यू नो जा रहे हो इस मोर अबाउट लाइक दिल टूटने का, थोड़ा टकरार एंड प्यार, एंड मुझे लगता है ऐसे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मोहसिन और मैं पहली बार सेट पे ही मिले, ये हमारा पहला कोलैबोरेशन है ना, आई एम श्योर आगे बहुत होगा, बिकॉज वी लव वर्किंग विद ईच अदर एंड द सॉन्ग इज डूइंग ग्रेट, बहुत ही अच्छे रिव्यूज ऑलरेडी आ रहे हैं। So very happy about जा रहे हो and I'm sure आप लोगों ने देखा है, so you guys have to tell us कि song कैसा लगा। हाँ, आप लोगों ने देखा है ना गाने। Thank you. What kind of response you guys are getting? अभी तक मैं response नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जब से गाना launch हुआ है हम यहीं पर है, we making reels with all the influencers and with each other. एक्चुअली सॉन्ग का रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है लोगों को बहुत, सबसे पहले तो बहुत प्यारे लग रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, तो यू नो जब एज एन एक्टर हम लोग को ऐसा फीडबैक आता है, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई एम ग्लैड कि हम लोग एज एन एक्टर भी अच्छे दिख रहे हैं, सॉन्ग बहुत प्यारा है, या एंड स्पेशली यू नो द वे इट्स रिटन बहुत ही ब्यूटीफुल है और उतना ही खूबसूरती से शूट हुआ है, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। Few response. The first response that came up was the acting. जो भी आप act कर रहे हो, you are killing it. So how would you react? I take it up as an actor. जब वो क्या होता है, सिर्फ दो दिन होते हैं आपके पास, preparation ज़्यादा होता नहीं उस वक्त. But you take it up as a short film. जहाँ पे आपके dialogues नहीं है, there are no written dialogues, but there's a song going behind. So that kind of helps you. ऑफ कोर्स यासिर देसाई साहब की आवाज़ और कुणाल वर्मा साहब की राइटिंग होती है साथ में, तो वो पीछे चल रहा होता है। और आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको एक सॉन्ग में, इसमें मेरे साथ एक सिंगर नहीं थे, एक एक्टर थे, तो जब आपको एक एक्टर आपके ऑपोजिट मिलते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर पाते हैं, हम लोग जानते नहीं थे, बट लकीली मोहसिन इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड हमारा इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही फनी हुआ था, एक्चुअली गोद में इंट्रोडक्शन हुआ था। द फर्स्ट शॉट वॉज कि हम लोग झूले वाला एक जो शॉट है, आई थिंक दैट वॉज, बट वी वर लाइक जस्ट क्लिक्ड फ्रॉम दैट मिनट एंड बहुत ही मजा आया काम करने में। It was just amazing यार, बहुत मजा आता है जब लोग अच्छे हों आपके साथ काम करें। And our directors, who did a beautiful job, brilliant job. Because जब आप देखोगे तो वो continuous past present जो चल रहा है, तो हमने वो वैसे ही शूट किया है, इट्स गॉन लीनियर, उसका जो शूटिंग है वो लीनियर ही हुआ है। सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स। हमेशा यूजुअली लड़के बेवफा होते हैं मेरे गानों में, हमेशा वो मेरा दिल तोड़ते हैं, इस बार मैंने दिल तोड़ा पहली बार, मुझे मजा नहीं आया दिल तोड़ के, बट आई होप सॉन्ग अच्छा लग रहा है। आई थिंक उसमें एक शॉट है जो जो डायरेक्टर प्ले करते हैं और वो मेरे शो में विष्णु प्ले करते थे, मेरे भाई, तो बड़ा फनी था वो मोमेंट हमारे लिए, क्योंकि हम लोग भाई बहन प्ले करते थे, हम लोगों ने एक वो शॉट दिया, बट इज नाइस, मजा आया मुझे। Cheers to that guys, he's done a brilliant job. Yeah. Very nice. And the sign of Korean, would you like to know something about that? That is cute, yeah. Yes, जो हमने पहली बार से ऐसा ऐसा love you तो बहुत करते थे, but this is something different that we explored. This is I love you. Okay, to all you guys. To all you guys, it's I. I love you. Okay, so ये पहली बार, अब तक ये एक चुटकी सुंदरता भी लव हो गया है। लव हो गया है, so that's a Korean heart for you guys. Okay, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो भी आपका गाना रहता है, million cross तो होता ही है, जी, million, 50 million. जी, luckily मैं songs के लिए lucky रहती हूँ कि सारे song मेरे 100 million cross होते हैं, and I hope ये song भी मेरा 100 million क्या 200, 300 बहुत सारे millions cross हो। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? ये मुझे सबको, एक तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ इस सॉन्ग में, आई एम लाइक फिंगर क्रॉस, ये मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी जोड़ी लोगों को ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, तो आई थिंक दिस इज वन रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग दे, एंड लाइक इस बार आपने भी दिल तोड़ दिया मैम, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम लाइक यार अगर दिल तोड़ के गाना हिट हो जाए तो आई डोंट माइंड फिर से दिल तोड़ दूंगी। नहीं, पर बहुत ही प्यारा लगा, एंड हां मैं थैंक यू, आपने वो एक रिस्पॉन्स बताया, वेरी गुड अबाउट, and inshallah I will go and check the comments, so please guys jo gaane dekh rahe hain
सबसे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सारेगामा को, प्लीज कमेंट कीजिए बिकॉज वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. हम देख रहे हैं आपने क्या लिखा है, वी विल रिस्पॉन्ड टू दोज कमेंट्स बिकॉज we want to know what you liked about the song, which part did you like more, what yeah we would love to know like your reviews, so please keep watching keep watching sarega and what do you want to say about Kunal Varma? Oh brilliant. mera teesra ya chautha gana hai unke sath aur mera pehla hai to mujhe wahi lagta hai wo aise ghar pe likh rahe hote to I hope agli bar wo mujhe imagine karke likha ki ha chale yaar ye Mohsin agar kar lega to he's a wonderful human being. वो आए भी थे सेट पर, उनकी फैमिली भी आई थी कुणाल साहब की. सो और बहुत खूबसूरत लाइंस उन्होंने हमें दी है, स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे गाना एंड होता है जब वो कहते हैं सही दिल दुखाया था अनजाने में मुझे मशहूर कर दिया जमाने में. तो आई थिंक ये लाइन मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड मैं काफी कनेक्ट हो पाती हूँ उससे एंड आई लव लव ऑल ऑल लाइक एक एक वर्ड इस सॉन्ग का. सो हैट्स ऑफ टू कुणाल. और मैंने ऑलरेडी कुछ और पहना हुआ था, 5 मिनट सर ऑलरेडी रेडी थे वहाँ पे एंड 5 मिनट दिए फटाफट हम चेंज करके आई थिंक 2 मिनट से भी कम में हमने वो पूरा सीक्वेंस शूट किया है एंड वही सबसे प्यारा लगा मुझे सॉन्ग. सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, इट वाज हिज थिंग के चलो ये एक चीज ऐड कर लेते हैं इन द मोमेंट्स एंड लाइक अगर आपने नोटिस किया हम लोगों ने इस फुटवेयर्स भी नहीं पहने, कुछ भी टाइम नहीं था, बाल भी जल्दी से ऐसे करके मैंने बांध दिए उसमें कि एक चेंज मिले, बट आई थिंक वो कुछ चीजें नेचुरली इतनी प्यारी हो जाती है कि ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाती है एंड आई लव दैट पोर्शन ऑफ माय सॉन्ग. सर आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका सेकंड पार्ट आएगा, बिकॉज़ देयर वाज वन मोर रिस्पांस कि सेकंड पार्ट आना चाहिए. यस आपसे जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा. आई एम गोना टेल सारेगामा टू प्लीज डू इट. मैंने ऑलरेडी बोला कि जा रहे हो का आ रहे हो होना चाहिए क्योंकि एक सेकेंड आ रहे हो होना चाहिए अभी क्योंकि एक मेरा जो लास्ट शॉट है उसमें मैं एक बहुत ही गिल्टी फेस के साथ सॉन्ग वहां खत्म हो जाता है तो मेरे अंदर वो गिल्टी फीलिंग है, मैं सॉरी हूं, तो मैं वापस इनके पास सॉन्ग में आना चाहती हूं. तो मुझे लगता है प्लीज सारे गामा वालों आ रहे हो भी शूट कर लो. आई एम कमिंग, वी आर कमिंग बैक. मोहसिन सर जब आप इंटरव्यू देते हैं दैट पिक्स जब वो आया वो भी काफी लोगों को पसंद आया, योर फैंस. या आई टू थोड़ा सा चेंज इन दैट एंड बी अ वेरी प्रिम एंड प्रॉपर राइटर एंड वेयर मैंने स्पेक्स लाए भी थे मैं घर भूल गया. But for that look, एक look है जिसमें वो change करके he said Sunny, there's a change over. So I like both of our change over actually. In fact मैं उसमें crew t-shirt पहनी हुई है मैंने जो बाकी सब लोग भी पहने हैं वो जो I think वो और ये sir पूरे decked up rich and वैसे दिख रहे हैं मैं t-shirt I think that's a very cute moment song का. कोई ऐसी memory कोई ऐसा BTS moment जो याद रहे आप लोग? Yeah it was damn good यार. हमने I think मैंने जो आपको बताया सबसे पहले मुझे नहीं लगता the mirror scene that we did. Mirror scene. जो हुआ नहीं जो लगा नहीं पर that was the most time consuming shot but बहुत अच्छा shot था. I don't know why वो शायद technical reason से नहीं लगा होगा but I think मेरे लिए सबसे special moment वो झूले पे ही था क्योंकि मैं set पे आई सर already set पे थे and झूले पे बैठे हुए थे and सर उन्हें brief कर रहे थे और मैं सीधे सर ना जल्दी जल्दी आ जाओ और मैं सीधे आके झूले में इनके गोद में बैठ गई like hi I'm Akansha. तो गोद में introduction जो हुआ मेरे लिए कभी मेरे co-star से ऐसे नहीं हुआ, कभी मिले भी नहीं आज तक. तो आई थिंक दैट वॉज फनी फॉर मी एंड जब भी वो शॉर्ट देखूंगी वो इंट्रोडक्शन याद आएगा मुझे. क्योंकि क्या हो रहा था हम पास्ट और प्रेजेंट शूट कर रहे थे तो उस वक्त वो चेंज ओवर्स बहुत जरूरी होता है कि तुरंत यू नीड टू गो बैक इन दैट जोन एंड यू नीड टू गो बैक टू द ट्रेजेडी पार्ट एंड गो बैक टू द नॉर्मल पार्ट. तो वो इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एट द सेम टाइम इट्स टफ ऑन द एक्टर बिकॉज आप उस तरीके से जा रहे हो, खुश है फिर एकदम से एक सैड मोमेंट आ जाता है और साथ ही हम वो दोनों चीजें शूट कर रहे हैं. शी इज डन अ ब्रिलियंट जॉब, आई रियली लाइक्ड इट एंड मैंने गाना अभी तक एक ही बार देखा है प्रॉपर्ली, मैं भी स्क्रीन पर देख रहा था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई लव्ड हाउ द एंटायर सॉन्ग इज टर्न्ड अप. I loved how जो past present है वो एक ही बार में नहीं हुआ, बार बार होता चला आ रहा है. So that kind of brings a train of thought to it. So, nice. Song में आपको as a writer देख लिया, क्या real life में भी हम आने वाले समय में आपको writer देख पाएंगे? हाँ, अच्छा idea है यार, I think you should do it. I'll write something inshallah. इन्हें कहीं आ रहे हो यही लिख दे, मैं कह रही हूँ आप लिख दीजिए इसका second part. morning से आप लोग shoot कर रहे हैं यहाँ पर हमें जानकारी, तो how was the experience in Max Studio कुछ अगर आप बोल सकते.
अगर वाइब इतना अच्छा हो मैं 24 घंटे शूट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि स्टूडियो का पहले तो मुझे स्टूडियो मैच स्टूडियो बहुत ही प्यारा लगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हर वॉल पे एक डिफरेंट वाइब है, तो मैं तो यहाँ 24 घंटे शूट कर सकती हूँ, द वाइब इज सो पॉजिटिव एंड सारे इन्फ्लुएंसर्स सब लोग जितने लोगों से हमने शूट किया सब एक अलग अलग कुछ एक इनपुट्स लेके आए थे जो हमें सॉन्ग में उस 5 मिनट में नहीं मिला था, तो बहुत अलग अलग चीज़ें शूट की, डांस किया, हुक स्टेप किया, तो आई थिंक इट वॉज रियली really too like bahut bahut maza aaya, fun tha, to main to I don't mind doing this again. Okay, Martin sir, aapka last time Shivangi ke sath bahut acha hit raha wo song, people love your song, matlab after ye rishta you come back with your jodi, number one jodi, to kya kehna chahoge aur aane wale dinon mein aap dono fir se collaboration kar sakte हैं? There might be another song, main bata nahi sakta kiske sath ya kya hai, bata to diya hi na inhone, but there might be another song. A lot of news is coming, Raju sir इंशाल्लाह जिस दिन वो मुझे बोले कि बेटा रेडी है, द स्क्रिप्ट इज रेडी, लेट्स गो, एंड आई विल बी राइट देयर एंड जस्ट कीपिंग अप फिंगर्स क्रॉस के जो भी हो बहुत लोगों को पसंद आए, बिकॉज For me, the day Rajan sir calls me and say, tells me कि भाई ये ready है, he has told me the story, एक ऊपर से एक story बताई है जो मैं reveal नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता, है एक story line है उनके दिमाग में, पर वो क्या turn up होता है, वो क्या किस तरह script लिखते हैं, वो कब होता है ये मुझे नहीं पता, तो इंशाल्लाह जब भी होगा I'll wait. We'll come back to जा रहे हो now and I want him to ask क्योंकि कब से कुछ पूछना चाह रहे हैं और आप उन्हें पूछने नहीं दे रहे हैं. अच्छा आप मुझसे ही पूछना चाह रहे हैं. जानना चाहूँगा कि आपके जो भी गाने हैं जिसमें आप कभी लड़का आपका दिल तोड़ता है, कभी आप दिल तोड़ देते हो. मैं कभी नहीं, पहली बार ही तोड़ रही हूँ गाने. आई थिंक मुझे लगता है लोगों के इतने दिल टूट रहे हैं, मुझे लग रहा है दिल जुड़ते कम है यहाँ, टूटते ज़्यादा है, एंड मैं डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ, तो मुझे लगता है इसीलिए ऐसे सॉन्ग्स चलते हैं, एंड मुझे लगता है दिल टूटते रहे और सॉन्ग्स हैव बीन सिंस 30s, 40s, तो मुझे लगता है ऐसे आजकल ये सॉन्ग ज्यादा चल रहे हैं और इसलिए आई फील जहाँ बेवफाइयाँ होती है, प्यार होता है, टकरार होती है सॉन्ग्स, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जा रहे हो से इतना कनेक्ट कर पा रहे हैं. आई होप इंशाल्लाह और कनेक्ट करेंगे. अगर आपको किसी को अगर डेडिकेट करना है ये सॉन्ग तो किसको करोगे? सी अभी तो फिलहाल मैं नहीं करूंगी, इनके साथ शूट किया है ये सॉन्ग, मैं पूरा ऑब्वियसली मैं पूरा 100% ये सॉन्ग इन्हीं को. सी आई एम प्लेइंग द राइट एज़ वेल, डेडिकेटेड टू कुणाल साहब. आई टोल्ड हिम आई माइट बी प्लेइंग हिम इन द सॉन्ग बिकॉज़ ही वाज राइट देयर. सो सॉरी मैं थोड़ा सा गला सूख रहा हूं इसलिए मैं तो आई वुड डेडिकेट इट टू हमारे राइटर साहब कुणाल साहब बिकॉज़ आई एम प्लेइंग अ राइटर इन द सॉन्ग. और अभी कुछ दिन के बाद रणबीर और आलिया की शादी होने वाली, कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो? बिकॉज़ पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री यार हमें तो बुलाया नहीं तो हम क्या एक्साइटमेंट दिखाएं. पर वी आर वेरी हैप्पी दैट बिकॉज़ दे वन ऑफ द बेस्ट कपल एंड बहुत ही खूबसूरत हैं, सो गॉड ब्लेस देम एज अ कपल इंडिविजुअल एंड एज टुगेदर. गॉड ब्लेस देम. अगर आपको चांस मिला, रमास्टर का फर्स्ट लुक इज ब्यूटीफुल, दे लुक सो गुड टुगेदर. अगर आपको चांस मिला तो आप किसके तरफ से होंगे, लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़कियों? हम वो पार्टी हैं जो दोनों की तरफ से खाना खा के आते हैं, तो हम उस वाले जाएंगे. हम बीच में से जाएंगे और मीडिया वालों की तरह जो दोनों तरफ से आते हैं वैसे जाऊंगी मैं. ओके सो लास्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गाइस आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस? I'm really looking forward to the more as you said the whole acting part and inshallah I really hope people connect with that part. And yes, the song is beautiful. आप रेडियो पर भी सुनेंगे, उसका ऑडियो बहुत प्यारा है. We just hope लोगों को उतना ही पसंद आया जितना हमें पहली बार सुनकर पसंद आया था, और वो ऐसे ही कनेक्ट करें इस गाने को और बार बार सुने और उसके व्यूज बढ़े. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू एंड जा रहे हो फॉर यू. थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, बाय गाइज, थैंक यू.